तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा कि किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ करने की बात कही। साथ ही पुराने बंद हो चुके ट्यूबवेल्स को दूसरी जगह लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होनी होगी और सरकार प्रदेश में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। खबर रिपोर्ट के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के 133 करोड़ के बकाये की माफी का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की, जिसके बाद वह हरियाणा सरकार किसानों से 24 फसल की खरीद एमएसपी पर करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली की समाप्ति पर खुद शंख बजाया। घोषणा करता हूं, किसानों की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या, जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। वहीं 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। 19 जुलाई को पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेल पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटा दिया गया है। किसान जिनकी ट्रांसफार्मर बिजली निगम की तरफ से लगाए गए हैं, खराब होने पर ये ट्रांसफार्मर बिजली निगम की तरफ से अपने खर्चे पर बदले जाएंगे और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली देश भर की सभी कंपनियां विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगी। किसान किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाएंगे। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि, उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबी थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नू फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि हम कुरुक्षेत्र से चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। 90 की 90 विधानसभा में भव्य रैली करेंगे। जनसैलाब हमारी नीतियों पर आपका विश्वास दिखा रहा है। इस पावन धरा से गीता का ज्ञान दिया गया। हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, हमने गरीबों को लाभ पहुंचाया, हमने बिचौलिया प्रथा खत्म की और हमने भेदभाव दूर करके विकसित हरियाणा का निर्माण किया। कांग्रेस के समय में जातिवाद क्षेत्रवाद फैल रहा था, आज हर हरियाणवी का सपना साकार हो रहा है। इस धर्म सभा में, कुरु सभा में देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा केवल अपने बारे में सोचने वाला कौम नहीं है, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच के नेतृत्व लेने वाला प्रदेश की नाम है हरियाणा। मैं देश की ओर से निवेदन करने आया हूं हरियाणा को, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना के आशीर्वाद करके हैट्रिक बनाइए, देश की प्रगति को हरियाणा नेतृत्व करे,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की। कुरुक्षेत्र में शंखनाथ रैली में धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमारे 10 साल का हिसाब मांग रही है, हमारे हिसाब का जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता देगी, हमारे हिसाब का जवाब हरियाणा प्रदेश के किसान देंगे और हमारे हिसाब का जवाब हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। बता दें कि कुरुक्षेत्र में बीजेपी की विजय शंखनाथ रैली में मुख्यमंत्री सैनी समेत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, सांसद नवीन जिंदल, कृष्ण पवार, कार्तिकीय शर्मा, विधायक किरण चौधरी सहित पूर्व गृह मंत्री अनिल विज समेत अनेक नेता शामिल हुए। राजीव अरोरा, कुरुक्षेत्र, टोटल न्यूज़।